उसके बाद एट में देखो सिक्स कंजेकेटिव इंटीजर्स आर गिवन, ठीक है। अच्छा सिक्स कंजेकेटिव इंटीजर लिखे हुए, तो लेट कर लो पहला इंटीजर एक्स है, फिर अच्छा आसानी के आप इस तरह भी लेट कर सकते हो, पहला इंटीजर एक्स माइनस थ्री है, फिर एक्स माइनस टू है, फिर एक्स माइनस वन है, फिर एक्स है, फिर एक्स प्लस वन है, एक्स प्लस टू। इंटीजर देखो यार लेट कर लो एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी ना, पहला इंटीजर क्या है लेट कर लो फोर के बराबर है, अगला कैसे आएगा वन ऐड करो फाइव। कंजेकेटिव की बात की जा रही है ना, कंजेकेटिव मतलब आगे भी जा सकते हो पीछे भी जा सकते हो आप, तो अगर हम आगे की बात करें तो फोर के बाद जो आएगा उसकी उस मतलब वो क्या होगा, फोर प्लस वन फाइव होगा, फाइव प्लस वन सिक्स, सिक्स प्लस वन सेवन, तो ये आपके पास कंजेकेटिव छः इंटीजर आ जाएंगे। तो इसमें भी आप ऐड कर लो x माइनस थ्री, इसमें प्लस वन ऐड करो x माइनस टू, इसमें प्लस वन ऐड करो x माइनस वन, ये इस तरह भी आप ऐड कर सकते हो, या आप ये भी ऐड कर सकते हो x, x प्लस वन, x प्लस टू, x प्लस थ्री, x प्लस फोर और x प्लस फाइव, छः कंजेकेटिव आपको ऐड करने हैं। मुझे लगता है इससे ईजी होगी कैलकुलेशन, करके देख लेते हैं। द सम ऑफ द फर्स्ट थ्री इज 27, शुरू के तीन जो है उसका सम जो है 27 के बराबर है, तो इस तरह करके देखते हैं x माइनस थ्री, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस वन, इसका सम है 27 के बराबर, तो x प्लस एक्स प्लस एक्स थ्री एक्स, माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन माइनस सिक्स, उधर जाके हो जाएगा पॉजिटिव 27 प्लस सिक्स 33, और x की वैल्यू आ रही है 11, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, अच्छा इससे भी करके देख लेते हैं, इससे भी यही आएगी जो दूसरे मैंने कहा था ना लेट करने का, इससे भी आप लेट करके देख लो ये आएगी। अच्छा ये आएगी नहीं, फ़र्क होगा लेकिन आंसर सेम होगा, मैं बता रहा हूँ, ये कन्फ्यूजन हो सकती है। x प्लस एक्स प्लस एक्स, अच्छा एक और भी था ना, हाँ बस सही, ये हो जाएगा 3x, 1 प्लस टू टू, 1 प्लस टू थ्री, थ्री उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, 27 माइनस थ्री 24 के बराबर होता है। यहाँ से x आ रहा है 8, लेकिन रुक जाओ सवाल कंप्लीट होने दो। सवाल क्या है, व्हाट इज़ द सम ऑफ द लास्ट थ्री, लास्ट थ्री जो है उनका क्या सम है, ये असल सवाल है। तो लास्ट थ्री आप निकालो, लास्ट थ्री इस वाली सीरीज में क्या थे आपके पास, x, x प्लस वन, x प्लस वन, x प्लस टू, तो ये लास्ट थ्री हैं, इसका आप सम निकालो। आपने पहली दफ़ा x की क्या वैल्यू पुट की थी, ओ सॉरी x की वैल्यू क्या आई थी, 11 आई थी, तो आप पुट करो 11 प्लस 11 प्लस वन प्लस 11 प्लस टू, तो ये हो गया 33, 36, टोटल क्या आ रही है 36 आ रही है, ठीक है। और अगर इस वाले में करो मतलब इस तरह करो, तो x की वैल्यू 8 आ रही थी, और इसमें लास्ट के तीन कौन से हैं, ये वाले हैं, तो आप करके देखो x प्लस थ्री, एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस फाइव, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 8 थी, 8 प्लस थ्री, 8 प्लस फोर, 8 प्लस फाइव, 8 प्लस 8, 8, 8, 24, 3 प्लस 4, 7, 7 प्लस 5, 12, 24 प्लस 12, 36, तो सम सेम आएगा, लेट आप कुछ भी करो, ठीक है, सम आपका सेम आएगा। तो दोनों कंडीशन से आपकी मर्ज़ी, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, मैंने x माइनस थ्री से स्टार्ट किया, आप x माइनस वन से स्टार्ट करो, वन ऐड करते जाओ, रिजल्ट एंड पे सेम आएगा, वो क्या 36 आएगा। अगर शुरू के कोई भी तीन कंजेकेटिव इंटीजर हैं उनका सम 27 आ रहा है, तो उनके बाद वाले तीन जो होंगे उनका सम 36 आएगा। और ये आप करके भी देख सकते हो, एक बड़े मज़े की बात है, आप करके भी दे सकते हो, आप ऐसे कोई भी तीन चूज़ कर लो कंजेकेटिव इंटीजर जिनका 27 आए, लेट से 5, 6, 7 नहीं आएगा, 9, 8, 9, 10 हाँ 8, 9, 10 इनको अगर आप सम करो 27 के बराबर आ रहा है, तो इनके बाद कौन से आएंगे 11, 12, 13 ठीक है, तो 11, 12, 13 का सम देख लो, 11, 13 नहीं 11 प्लस 12 23, 23 प्लस 13 36 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट वही है, और यही तीन आपके पास आ रहे हैं। अगर आप ऑब्जर्व करो ना, शुरू में एक्स की वैल्यू आ रही थी 11 आ रही थी, तो आप पुट करो यहाँ पे 11 माइनस 3 8, 11 माइनस 2 9, 11 माइनस 1 10, तो वही वाली सीरीज बन रही है। और दूसरे में जो लेट किया था वो भी वही आ रहा है, 8 8 आ रही थी ना वैल्यू, 8 8 प्लस 1 9, 8 प्लस 2 10, बिल्कुल वही सीरीज आपके पास बन रही है, क्योंकि कंडीशन सेम है ना, 27 आ रहा है, लेट आप कुछ भी करो उस हिसाब से एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो बहुत डिटेल होगी ये, बताना चाह रहा हूँ, कुछ भी आप लेट कर सकते हो, ये मैं नहीं बोल रहा कुछ भी दिखाया जा सकता है, मैं बोल रहा हूँ कुछ भी लेट कर लो आप। बहरहाल एक्स की वैल्यू है 4/7, सॉरी एक्स की वैल्यू 3/4 और वाई की वैल्यू 4/7 है। कैलकुलेट क्या करना है आपको, कैलकुलेट करना है वाई माइनस एक्स, वाई प्लस एक्स, मतलब ये क्यों चीज़ है देने वाली, y क्या है 4/7, x क्या है 3/4, 4/7 3 प्लस
फोर। अच्छा मैं एक चीज़ बताऊँ आप लोगों को, ये एलसीएम फाइंड करने का एक इजी तरीका भी होता है, इजी तरीका नहीं मतलब स्टैंडर्ड तरीका वही होता है, ये जो सिंपलीफाई करते हैं ना हम, इसका स्टैंडर्ड तरीका ये होता है कि आप डिनोमिनेटर सेम कर लो। ये मैं बहुत अरसे से बताना चाह रहा था, मैं ना कभी बताऊँगा। से तरीका ये होता है कि आप दोनों के ना डिनोमिनेटर सेम कर लो। इसका डिनोमिनेटर 7 है, इसका 4 है, तो सेम कैसे करोगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 7 से कर दो। तो पहली वाली फ्रैक्शन को ना आप पूरी फ्रैक्शन को, नीचे तो खाली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना, दोनों को करना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, ये हो जाएगी 16/28। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 7 से, 21/7 को 4 से मल्टीप्लाई करो 28। सेम काम नीचे भी करो, 16/28 और प्लस 21/28। इसमें ना वो सिंप्लीफिकेशन और वो जो आमतौर पर स्टूडेंट को एलसीएम लेने का मसला होता है ना, वो नहीं आएगा आपको। अब आप क्या करो, डिनोमिनेटर 28 ही रहेगा, ऊपर ऐड सबट्रैक्ट कर दो, 16-21। नीचे आप 28 लिखो, 16+21, 28 से 28 कैंसिल, 16-21 होगा -5। 16+21 क्या होगा, 16+21 37, तो -5/37 ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा। उसके बाद 10 में आपको ए प्लस बी की वैल्यू गिवन है, ए मल्टीप्लाई ए बी की वैल्यू गिवन है, मतलब ए प्लस बी 2 है, ए बी 1 के बराबर है, आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इस तरह भी लिख सकते हो, -2ab, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -2ab। ए प्लस बी की वैल्यू सवाल में गिवन है 2 के बराबर, 2 का स्क्वायर 4, -2ab, ab की वैल्यू क्या है 1 के बराबर, ठीक है, 4-2 2 के बराबर, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अच्छा उसके बाद 11 में लिखा हुआ है 2m जो है, 2m है 4x के बराबर, 2w जो है वो बराबर है 8x के, वॉट इज m इन टर्म ऑफ w, आपको m निकालना है इन टर्म ऑफ w, मतलब m बराबर होगा कुछ ना कुछ w के, पर w से कोई चीज़ मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी हो रही होगी, ठीक है। तो ये फाइंड करने का तरीका क्या होगा, देखो अगर आप इस फॉर्मूले को देखते हो, इधर m है x की टर्म में, तो ज़रा आप m को ना सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लो x की टर्म में, कैंसिल करो इससे, यहाँ 2 आ जाएगा, तो m किसके बराबर आ गया, 2x के बराबर आ गया, ठीक है। अभी m है x की फॉर्म में, आप क्या करो x को w की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि अगर x w की फॉर्म में हो जाएगा तो इनडायरेक्ट, मतलब अगर x w की फॉर्म में हो जाएगा तो m भी w की फॉर्म में हो जाएगा ना, यहाँ x है इसके बराबर, x 8 को डिवाइड कर दो तो 2w/8, सिंप्लीफाई करो w/4 आ रहा है, तो x को आपने कन्वर्ट कर लिया w की फॉर्म में। अब जो आपने x को कन्वर्ट किया था वो यहाँ पे पुट कर दो, w/4 आ जाएगा, कैंसिल करो, m की वैल्यू इन टर्म ऑफ w की आ जाएगी w/2, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। तो बस बच्चों वाले तरीके से इस तरह आप आंसर निकाल लोगे। 12 में क्या लिखा हुआ है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 420। देखो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल में लेंथ आपको पता है ज़्यादा है, विड्थ कम है, तो लेट कर लो लेंथ एक्स है, विड्थ वाई है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, वो किसके बराबर है, 420 इंचेस। वैसे इंचेस नहीं होता, एरिया का यूनिट स्क्वायर इंचेस होता है, ये गलती है यहाँ पे। एंड डायगनल इज 29 इंच, डायगनल जो है ना इसका, लेट कर लो डी जो है वो 29 इंच है, इंच भी लिख देते ना। फाइंड इट्स साइड, यार देखो मुझे एक बात बताओ, हमें क्या करना है, साइड फाइंड करनी है, मतलब एक्स और वाई फाइंड करना है ना। साइड रेक्टेंगल की क्या होती है भाई, ऑपोजिट साइड सेम है, जो ये होगा वही ये होगी, इसी तरह जो ये होगा वो ये वाली साइड होगी, तो बेसिकली हमें साइड मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, जब ये दो आ जाएंगी तो हमें चारों साइड पता चल जाएंगी, ठीक। ऑप्शन में अगर आप गौर से देखोगे सारे ऑप्शन लिखे हुए हैं, ठीक है। आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, कि आप दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर दो आपस में, इन दो साइड को मल्टीप्लाई करते हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आता है ना, तो एक्स और वाई दो नंबर हैं जिनको आपने मल्टीप्लाई किया था तो क्या आया था, 420 आया था। आप ज़रा गौर से देखो नीचे, ये पेयर लिखे हैं उन्होंने 30-31, 30 और 31 को मल्टीप्लाई करो, एरिया कैसे आता है, दो को मल्टीप्लाई करके ना, 30 और 31 को मल्टीप्लाई करो, 420 नहीं आएगा, ये क्या हो जाएगा, 930 हो जाएगा शायद, हाँ 40 को 41 से करो ये हो जाएगा 1640,
21 को अगर आप 20 से करोगे तो आपके पास 420 आ जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ से आपको मिल जाएगा एरिया 420 के बराबर है। बाकी जितने ऑप्शन है वो पहली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। डायगोनल पे तो आप बाद में जाओगे, वो पहली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी आंखें बंद करके आप लिख दो। अगर इसको सॉल्व करना है तो भाई सिंपल सॉल्व करने का तरीका ये होगा कि एरिया की इक्वेशन निकाल ली ना आपने, एक्स वाई इक्वल टू 420, ठीक है। और डायगनल आपको पता है डायगनल किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होगा, जो 29 है। इन इक्वेशन को सॉल्व करोगे लंबे तरीके से, एंड पे आपको आंसर मिलेगा। तो बेहतर तरीका ये, थोड़ा दिमाग लड़ा लो आप और ऑप्शन सेलेक्ट कर लो यहाँ पे। उसके बाद लिखा हुआ था फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर रूम। अरे यार ये मेरा फेवरेट है, एक मिनट रुको मैं ज़रा कैमरा सही कर लेता हूँ, ठीक है। लिखा हुआ था फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर रूम हैज़ डायमेंशन 12 फीट बाई 16 फीट, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर फ्लोर है भाई, ये पूरा फ्लोर है आपके पास, ठीक है। ये बड़ी डायमेंशन है, क्या है, 16 फीट है, ये लेट कर लो 16 फीट है। अच्छा 16 फीट भी लिखते हैं और इसको इस तरह भी लिखते हैं, जो प्राइम होता है ना एक, इसको हम बोलते हैं 16 फुट। अगर दो प्राइम लगाएं तो वो इंचज होता है, बहरहाल। और विड्थ उसकी लेट कर लो 12 के बराबर है, 12 फीट के बराबर है। रेक्टेंगुलर रूम है हमारे पास, स्क्वायर रूम आमतौर पे होते नहीं, रेक्टेंगुलर रूम ही होते हैं। अगर आप देखो बहुत कम ही स्क्वायर रूम हमारे घरों में होते हैं। हाउ मैनी स्क्वायर टाइल्स ईच विद साइड ऑफ लेंथ 1 फुट, कितने स्क्वायर टाइल्स जिनकी साइड की लेंथ क्या है 1 के बराबर है, आर नीडिड टू मेक अ बॉर्डर ऑफ सिंगल रो ऑफ टाइल ऑन द फ्लोर अलॉन्ग द एजेस ऑफ द रूम। क्या कहना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें ये जो फ्लोर के एजेस है ना, एक ये वाला एज है, एक ये वाला एज, ये और ये चार एज जो हैं, हमने क्या करना है, हमें एक बॉर्डर बनानी है, सिंगल बॉर्डर, ठीक है। किस चीज़ की बॉर्डर बनानी है, स्क्वायर टाइल से बॉर्डर बनानी है, और उन स्क्वायर टाइल की लेंथ क्या है, 1 के बराबर है। अब स्क्वायर जब बोल दिया इसका मतलब है चारों साइड क्या होंगी, 1 के बराबर होंगी। तो पूछ रहे हैं हमें कितनी ऐसी स्क्वायर टाइल चाहिए कि हमें चारों एज जो हैं सिंगल बॉर्डर बना के हम उनको कवर करना है, ठीक। अब मुझे बताओ ये जो लेंथ है इधर कितनी आपको स्क्वायर टाइल चाहिए होंगे, भाई एक स्क्वायर टाइल की लेंथ कितनी है, 1 के बराबर है। ये छोटी सी लेंथ कितनी है, 1 फीट है। इसी तरह एक और लगाओगे आप, टोटल लेंथ कितनी होगी, 2 फीट। एक और लगाओगे 3 फीट, एक और लगाओगे 4 फीट। करते 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 कितनी लगानी पड़ेंगी आपको, टोटल 16 लगानी पड़ेंगी। 16 फुट है और 16 टाइल लगाओगे एक एक फुट की, तो टोटल पूरा कवर हो जाएगा, ठीक। तो एक एच को कवर करने के लिए फिलहाल कितनी टाइल आपने लगाई, 16 टाइल लगाई, आपको चारों कवर करने हैं। इसी तरह ऊपर जब लगाओगे, ऊपर भी सेम 16 फिट है ना, तो इसी तरह आपको 16 टाइलों की ज़रूरत पड़ जाएगी। ऊपर भी आपने लगा ली 16, तो 16 प्लस 16 अभी तक आपको 32 टाइल आपने लगा ली। पूरा कवर नहीं हुआ, ये वाला हिस्सा कवर रह गया। अब ज़रा देख के बताओ, इस वाले कॉर्नर पे और इस वाले कॉर्नर पे आपने ये एंड पे भी एक टाइल लगाई थी, ठीक है, जिससे कंप्लीट हुआ ना ये पूरा एज। लेकिन ये जो अगर आप इस वाले एज को फिल करोगे तो एक फुट की टाइल पहली इस एज पे लगी हुई है। अगर आप गौर से देखो, इस वाले एज पे एक फीट की पहली टाइल लगी हुई है जो इसमें मतलब फिल करते हुए हमने लगाई थी, तो इसमें एक फिट तो पहली कवर है। इसी तरह यहाँ भी एक फिट पहली कवर है आपका। तो अगर इस वाले कॉर्नर को, इस वाले एज को आपने फिल करना है तो आपको 12 फुट की टाइल नहीं चाहिए, आपको 10 फुट की चाहिए, क्योंकि दो तो आपने पहली कॉर्नर पे लगाएंगे हैं। तो इधर कवर करने के लिए आपको 10 चाहिए, ठीक है। सेम जो इधर है ना, यहाँ भी ये होगा, एक फुट यहाँ भी कवर है। टोटल 12 था, आपको कितनी चाहिए, 10 और चाहिए। तो टोटल कितनी टाइल हो जाएंगी, 16 प्लस 16 32, 32 प्लस 20 52, टोटल 52 टाइल चाहिए आपको चारों एज पे। सिंगल बॉर्डर आपने बनाई है, डबल बॉर्डर क्या होती है कि आप इस तरह लगाते, फिर सिंगल बॉर्डर के लिए आपको 52 चाहिए। तो ये एमसीक्यू था, ये मेरा फेवरेट था, मुझे बड़ा मज़ा आता है समझाने में इसको।